फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमें ये जो नीचे तीन पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इन ऑब्जेक्ट्स का। सबसे पहले जो हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, एन आयरन सुफियर ऑफ मास 5 किलोग्राम। हमारे पास एक आयरन का सुफियर है, एक बॉल है जो कि 5 किलोग्राम का है। द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हमारे पास जो डेंसिटी है इसकी आयरन की, वो 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो ये हम इसको, इसकी जो है वो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इसी तरह पे दूसरा है जी, 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी 11300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमारे पास एक ये जो आयरन का, सॉरी लेड का शॉट है, ठीक है, ये इसके अंदर यूज करते हैं इसको हम गन के अंदर। तो ये 200 ग्राम इसका वेट है, ठीक है। तो हमने इसका जो है वो फाइंड करना है, इसकी इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, डेंसिटी हमें गिवन है। इसी तरह एक गोल्ड बार है हमारे पास, ठीक है, इसका मास 0.2 किलोग्राम है, 200 ग्राम है, ठीक है। और उसके अलावा इसकी डेंसिटी हमें गिवन है 19300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमने इसका भी वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये तीनों चीज़ें जो है हमने इनका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो गिवन डेटा जी, पहले का जो हमें गिवन है, यहाँ पे हमें मास गिवन है, m इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, डेंसिटी रो की वैल्यू हमें 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी गई है, और हमने वॉल्यूम फाइंड करना है जैसा कि हमें ऊपर न्यूमेरिकल के अंदर बताया गया था। अब सॉल्यूशन में अगर हम जाएंगे तो वही फार्मूला जो हमने 7.1 में भी यूज़ किया, 7.2 में भी यूज़ किया, कि जो डेंसिटी होती है ये इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के, ठीक है। डेंसिटी बराबर होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के। तो यहाँ से अब चूंकि हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो ये आपका जो वॉल्यूम वी है, ठीक है, ये और ये रो, ये आपस में जगह इंटरचेंज कर लेंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रो जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो ये इधर आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी और फार्मूला बन जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो अब हम इसमें वैल्यू स्पोर्ट करेंगे, m की वैल्यू हमें पता है 5 है, जाएगा हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू हमें जो है वो 8200 गिवन है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको कैलकुलेटर की मदद से आप डिवाइड कर लें। अगर आप कैलकुलेटर की मदद से नहीं करना चाहते, आप इसको वैसे सिंपलीफाई करना चाहते हैं, तो ये आप तरीका इसके सामने आपका लिखा हुआ है। सिंपल यही है कि आप क्या करें, 5 डिवाइड बाई 8200, जब जैसे ही आप कैलकुलेटर में करेंगे तो आपको 6.1 × 10⁻⁴ ये इसका आपको आंसर मिल जाएगा, और आप इसको आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप कैलकुलेटर से नहीं करते तो ये आप इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से डेसिमल यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, तो 8.2 हो जाएगा इंटू 10⁻³ होगा, क्योंकि डेसिमल राइट से लेफ्ट साइड पे आ रहा है, उस पर 10⁻³ + 3 ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। 5 को आप 8.2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.609 × 10⁻³ आएगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आने के लिए डेसिमल को यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा इसी तरह इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है। आप इसको जस्ट इसको कैलकुलेटर में पुट करें, आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसी का, इसमें हमें गिवन है जी मास, हमें गिवन है, ठीक है, 200 ग्राम, ठीक है, जो लेड शॉट है इसका मास हमें गिवन है, इसको हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। तो 200 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.2 किलोग्राम आ जाएगा। डेंसिटी हमें गिवन है लेड की 11300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सेम उसी तरह फार्मूला जो है वो रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, और जब हमने वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इधर चला आएगा, डेंसिटी इधर चली आएगी, तो वी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी हो जाएगा। और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, एम की जगह 0.2 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय डेंसिटी की जगह 11300 पुट करेंगे, और आप सिंपली इसको कैलकुलेटर अगर आपके पास मौजूद है तो आप 0.2 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, आपको डायरेक्ट ये 1.77 × 10⁻⁵ आंसर मिल जाएगा। और चूंकि वॉल्यूम का यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होता है, तो आप इसको मीटर क्यूब लिख सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आपको ये 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, तब जाके आप इसको सॉल्व कर सकें। इसके बाद थर्ड पार्ट है, इसमें हमें बताया गया था जी गोल्ड का मास बताया गया था 0.2 किलोग्राम, डेंसिटी हमें बताई गई थी 19300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना था, यहाँ पे एक जीरो से ज़्यादा हो गया तो इसको हम यहाँ से काट देते हैं, ये 19300, ठीक है, ये वाला जीरो जो है इसमें शामिल नहीं है, ये इसमें टाइपिंग एरर हो गया। वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है,
फार्मूला सेम वही हम जो यूज कर रहे हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ से हमने चूंकि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो रहा था, जहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डेंसिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगी। या आप सिंपली ये समझे कि ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे, वी इधर चला जाएगा, रो इधर आ जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड सॉरी मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो 0.2 मास की वैल्यू है, ठीक है, और डेंसिटी की वैल्यू जो है वो 19,300 होती है गोल्ड के लिए। तो आप सिंपली कैलकुलेटर में 0.2 डिवाइडेड बाय 19,300 लिखेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपको ये दो तीन स्टेप्स करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आप स्टेप्स आसानी के साथ समझ सकते हैं, ये आपने मैथ में 2.3 या 4 जो की थी उसमें आपने ये चीज़ें सीखी नहीं है कि आपने इनको किस तरह सॉल्व करना है। तो इसके साथ ही हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। हमने तीनों चीज़ों का, आयरन स्फीयर का, लेड शॉट का, और जो हमारे पास गोल्ड बार थी, ठीक है, इसका हमने मैस हमें गिवन था, डेंसिटी हमें गिवन थी, तो हमने इन तीनों का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद अगला नुमेरिकल देखते हैं।